हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगा मुसलमानों के बारे में, यानी कि आज का मुसलमान। आज के मुसलमान को क्या हो गया? ऐसा तो नहीं था मुसलमान, ये तालीमात तो नहीं दी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो फिर क्या हो गया? कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हम कहते हैं कि किसी काम में बरकत नहीं है, माली मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, तो वो तो होनी ही है ना। अल्लाह 5 दफ़ा दिन में हमें बुलाता है और हमें उसकी आवाज़ ही नहीं आती। हम सारा दिन सोशल मीडिया पे मेम्स देख के गुजार देते हैं, पर 5 से 10 मिनट नमाज के लिए नहीं निकलते, और फिर अल्लाह से गिला करते हैं कि परेशानियाँ हैं, मुश्किलात हैं। हमें कोई भी मसला हो ज़िंदगी में, कोई भी चीज़ हो, तो हम लोग गूगल करते हैं, जबकि हमारी किताब कुरान, जो कि एक मुकम्मल किताब है, हमने आज तक उसको खोल के नहीं देखा, ना उसको पढ़ने की कोशिश की, ना उसे समझने की कोशिश की, और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कुछ बड़ा कर लेंगे। वो अंग्रेज़ जो मुसलमान नहीं है, वो कुरान की बातों पे रिसर्च कर करके नई नई इन्वेंशंस कर रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग उनका कल्चर अपनाने में लगे हुए हैं। उन्होंने हमारे दीन से चीज़ें सीख के ख़ुद को तरक्की के रास्ते पर डाल दिया है, पर हम उनसे ये चीज़ अडॉप्ट नहीं करते, बल्कि हम उनके कल्चर को देखते हैं और ख़ुद को मॉडर्नाइज करने के चक्कर में अपनी भी साख खो बैठे हैं। आज देख लें, आपके सामने है बेहयाई कैसे आम हो रही है, नशा कैसे यंग जनरेशन को तबाह करने में लगा हुआ है, और क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। किस रास्ते पे जा रहे हैं यार हम लोग? शर्म आती है देख के कि क्या हो गया हम लोगों को, अंधेरों में चले गए हैं यार हम लोग। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।